टेल यू दैट कि इसके अंदर एक अरमानी एक्सचेंज की बढ़िया सी वॉच है। लेड ओपन कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप देख पा रहे हो अरमानी एक्सचेंज लिखा आ गया प्रॉपर। So hey creative people, I hope you all are good. Welcome back to my channel. My name is Kanish Kam, I'm an artist, also a travel vlogger. So एक quick unboxing करते हैं। अभी ये just parcel आया ही था मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक बढ़िया सी unboxing करी जाए, तो video भी shoot कर लूँ साथ में। तो जो ये product है मैं काफ़ी ज़्यादा excited हूँ इसको open करने के लिए। मेरे one of the favorite brands में से एक product की delivery हुई यार। तो मैं basically आपको बता देता हूँ, आपने इससे पहले मेरी अरमानी एक्सचेंज शूज़ की वीडियो देखी होगी, या साइड में आई बटन आ रहा है, जिसमें नहीं देखी तो वह देख लीजिए। तो वही सिमिलर ब्रांड है, मैं आपको इसके अंदर आगे बताऊंगा कि इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर है क्या। तो जिसने नई वीडियो देखी वो जाके पहले देख सकता है। तो मैं अब इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। बस मैंने जस्ट इसका लिड ओपन ही किया था, मैंने पढ़ा कि इसके अंदर क्या है, तो फिर मैंने सोचा फटाफट एक छोटा सा ब्लॉग शूट किया जाए। जैसे आप सामने एक बॉक्स देख पा रहे होगे, तो नाउ आई टेल यू दैट कि इसके अंदर एक अरमानी एक्सचेंज की बढ़िया सी वॉच है। तो मुझे काफ़ी टाइम से पसंद भी थी वॉच, वो मैं मंगाना भी चाह रहा था। ऑनलाइन अभी अच्छी सेल चल रही थी फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, तो मुझे फटाफट दिख गई है और मैंने ऑर्डर कर लिया इसको। तो फॉसिल ग्रुप में भी इसके जो है पार्टनर है। तो बाकी यहाँ ऊपर आप देख सकते हो अरमानी एक्सचेंज की प्रॉपर ब्रांडिंग हो रखी है, और यहाँ इसका पूरा डिटेल वगैरह प्राइस वगैरह सब लिखा हुआ है। काफ़ी महंगी वॉच भी है, मैंने कहा एक बढ़िया सा अचीवमेंट है तो आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये इसका मैंने अब सील हटा दी और लिड ओपन कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा पार्ट लगा मुझे इसका कि बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, और काफ़ी ज़्यादा वो तो होना ही था मुझे जहाँ तक पता। मैंने कहा अरमानी का बॉक्स तो बाहर से लगा नहीं है, और कुशनिंग भी देखो काफ़ी अच्छी कर रखी है इसमें, पैडिंग अच्छी यूज़ कर रखी है। मे बी अगर इनकेस बॉक्स गिर जाए या तो वॉच को अंदर से हार्म ना पहुँचे, डैमेज ना हो वॉच, तो ये एक अच्छा पॉइंट लगा मुझे फॉसिल ग्रुप का। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो फॉसिल ग्रुप का गारंटी कार्ड मिला है, और जहाँ से कि मैंने ऑनलाइन पढ़ा था तो यहाँ पे आपको 2 ईयर्स की अरमानी एक्सचेंज के स्टोर से प्रॉपर इसकी वारंटी है। तो आप ये अरमानी एक्सचेंज का टोल नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे आप कॉल करके अपनी वॉच रजिस्टर करा सकते हो। 42mm डायल वाली वॉच मैंने मंगाई है। तो नाउ मैं अब बॉक्स का लिड ओपन कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप देख पा रहे हो अरमानी एक्सचेंज लिखा आ गया प्रॉपर बाहर, और यहाँ सामने AX की ब्रांडिंग हो रखी है, और बाकी बॉक्स के नीचे लिखा है अरमानी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, एंड नीचे सस्टेनेबल पैकेजिंग वगैरह बाकी सारी, और अरमानी एक्सचेंज की डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं, जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो लिखी हैं। और नाउ फाइनली मैं वॉच का बॉक्स ओपन करके आपको दिखाता हूँ ये वॉच है कैसी। हमारी कुछ वॉच है प्रॉपर पैकेजिंग में है, मैं अभी वॉच को साइड रखता हूँ, इसके अंदर आपको दिखाता हूँ और क्या चीज़ें हैं। तो इसके अंदर अब हमें ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं, बिल विल वगैरह तो मैंने पहले साइड कर दिया, एक्चुअली इसमें डिटेल्स होती हैं। और ये जो है अरमानी एक्सचेंज की एक मोटी सी बुकलेट मिली है, आप देख सकते हो कितनी मोटी है, अराउंड अगर मेरा थंब देखो तो उससे ज़्यादा मोटी ये बुकलेट है। कि तो ये सारी लैंग्वेज में बुकलेट है जैसे कि देख सकते हो, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मोटी है। इनकेस मैं प्रॉप के लिए भी वीडियो में लिए साइड में बैकग्राउंड में यूज़ कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छी लगेगी, तो ये भी एक यूज़फुल चीज़ मिल गई मुझे। एंड इसका बाकी ये बॉक्स हो गया, ये लिड हो गया, इसको साइड करते हैं, और ये इस पर आई है वॉच। तो ये कुछ इसकी नॉर्मल पैकेजिंग हो रखी है वॉच की। तो मैंने वॉच को बाहर निकाला है जस्ट पॉली बैग में से, तो अभी आप ये देख पा रहे होगे बाकी इसका ये टैग लगा हुआ वॉच का कि कितने की है, और ये क्या मॉडल नंबर वगैरह प्रॉपर इसका लिखा हुआ है इसके ऊपर। एंड बैक इसका पूरा स्टेनलेस स्टील का है, और यहाँ नीचे भी इसकी ब्रांडिंग लिखी हुई है। तो बस मैं इसका लिड हटाता हूँ, आपको इसकी बैक दिखाता हूँ कैसी है। तो ये कुछ बढ़िया सी बैक लग रही है इसकी देखने में, स्टेनलेस स्टील है बेसिकली, काफ़ी मजबूत होता है। और उसके बाद ये रबड़ की काफ़ी प्रीमियम से स्ट्रैप है, तो इसको पकड़ने के बाद फील ये लग रही है कि मतलब है कुछ हैवी पकड़ा हुआ हाथ में, ऐसा वॉच को पता लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि लाइट वेट वॉच है, कोई ज़्यादा बल्की नहीं है, हैवी नहीं है, तो डेली वेयर यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी है। और दूसरे स्ट्रैप पे यहाँ प्रॉपर अरमानी एक्सचेंज लिखा हुआ पढ़ पा रहे होगे,
काफी स्लीक डिजाइन है और जो यहाँ का बीच का पैटर्न है ये पूरा कैमोफ्लाज पैटर्न है, आप देख पा रहे होगे हल्का सा लेमनिश और ब्लैक और बीच में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी, दोनों तीनों तरह का वेरिएंट मिला हुआ है इसके पूरी बॉडी पे। और अब हम सामने की लिट को हटाते हैं, ये कुछ हटी बीच में आप छोटा सा देख रहे होगे, डेट के लिए भी है, डेट भी लिखी हुई है, आई होप आपको दिख रही होगी। और यहाँ दूसरे डायल है बाकी और ये वाला दूसरा है और बीच में अरमान AX की ब्रांडिंग हो रखी है प्रॉपर। और यहाँ बाकी इसके साइड के बटन है। द स्पेशल पार्ट इज इतने छोटे से पार्ट पे भी पूरी पॉली चढ़ी है, तो इसको भी हम उतार के एकदम न्यू कर देते हैं। ये छोटी सी पॉली भी उतार दी हमने, तो ये पूरी तरह से वॉच हमारी अनरैप हो गया। और जो इसके ऊपर वाला ये बकल है, यहाँ पे भी AX की ब्रांडिंग हो रखी है, आपको दिख रही होगी। और बैक साइड में लिखा हुआ है स्टेनलेस स्टील, काफ़ी हैवी है ये देखने में और अच्छा लग रहा है। प्रीमियम चीज़ की क्वालिटी, अगर आप प्रीमियम चीज़ बाय करते हो तो उसकी क्वालिटी अलग होती है और काफ़ी आपको पहनने में भी बताती है कि ये मुँह से ही बोलते हैं कि मैं प्रीमियम हूँ। और मैं आपको एक बार अपनी रिस्ट पे पहन के दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है ये वॉच। तो ऐसा कुछ ओवरऑल लुक आ रहा है मेरी रिस्ट का, तो मेरी रिस्ट की तो वैल्यू ही इनहेंस हो गई इस वॉच के बाद, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि मैंने ये वॉच परचेज करी। ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन है, डेली वेयर कपड़ों के साथ भी आराम से जा सकती है, तो मुझे पसंद आई वॉच। और यहाँ पे भी बैक में आप देख सकते हो अरमानी एक्सचेंज लिखा हुआ है इसके स्ट्रैप पे। तो यही कुछ अनबॉक्सिंग थी, मैंने कहा एक छोटा सा ब्लॉग शूट किया जाए इस पे भी। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, लेट्स गो कनेश के साइड में आ रहा होगा। मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो सबसे पहले मैं स्टोरीज वगैरह और रील्स अपलोड कर देता हूँ, मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे चेकआउट कीजिएगा। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, जल्दी नीचे रेड कलर का बटन आ रहा, 2 मिनट लगा के फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और भी अमेजिंग अमेजिंग ट्रैवल ब्लॉग्स आने वाले हैं। आई नो दैट कि एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, कि अनबॉक्सिंग ब्लॉग था, पर जल्दी ही ट्रैवल ब्लॉग आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपको अच्छा लगा है ब्लॉग, डू लाइक दैट वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और जल्दी ही मिलते हैं किसी नए ट्रैवल ब्लॉग में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ट्रैवलिंग।